के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, जहां चंबल जल परियोजना द्वारा संचालित हर घर जल के तहत लोगों को पानी उपलब्ध कराना है, लेकिन काम इसके ठीक विपरीत हो रहा है। जहां चंबल जल परियोजना के अधिकारियों ने एक बार लाइन डालने के बाद मुड़कर नहीं देखा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह पर लीकेज हो रहा है और विभाग द्वारा चिन्हित जगह पर लगाए गए PSPO की टोंटी भी नहीं लगी है और हजारों लीटर पानी योग्य पीने नहीं है और व्यर्थ ही पानी बह रहा है, लेकिन अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं चंबल में परियोजनाओं के अधिकारियों की लापरवाही के चलते और अनदेखी के चलते सरकार को दोहरा नुकसान हो रहा है। एक और तो हर रोज पीने योग्य जल बर्बाद हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की योजना अनुसार आमजन को इस भीषण गर्मी में मौसम में पानी को पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस तरह के वो हैं जो पॉइंट यहाँ पॉइंट हैं, वहाँ इस तरह से व्यर्थ बह रहा है। बीच बीच में लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे हैं और अवैध कनेक्शन के साथ साथ में पानी चलता रहता है, कोई बंद ही नहीं करता है। जबकि कुछ वाटर पॉइंट ऐसे हैं जहाँ आज तक पानी नहीं पहुँचा, 5